बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। निधिस किचन में वेलकम बैक। जी तो व्यूवर्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी मटन मेथी बनाने की रेसिपी, जो कि बहुत ही माशाल्लाह से हेल्थी रेसिपी है और बहुत ही टेस्टी बनती है। तो चले फिर इन्ग्रीडियंट की तरफ। मटन मैंने लिया है 1.5 किलो, और अगर आप चाहें तो मटन की जगह चिकन भी यूज़ कर सकते हैं और बड़ा गोश्त भी यूज़ कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून नमक है जी, नमक जो है आप अपने हिसाब के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं, और 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टेबल स्पून हल्दी, 2 टेबल स्पून लिया है खुश धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून जीरा पाउडर, 2 अदद मैंने मीडियम साइज़ की प्याज ली है, इनको स्लाइस में काट लिया है, 3 अदद टमाटर लिए हैं, इनको भी स्लाइस में कट कर लिया है, जिंजर और गार्लिक 1 टेबल स्पून इनको भी मैंने चॉप कर लिया है, 1 गड्ढी ली है नई मेथी की, और इसके पत्ते जो हैं वो मैंने सारे उतार के धो के अच्छी तरह इनको मैंने ड्राई कर लिया है। फ्रेश हरा धनिया लिया है, और साथ में लिए हैं 3 अदद हरी मिर्चें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक पैन में 1/2 कप ऑयल ऐड किए हैं। अब ऐड करेंगे इसमें प्याज, प्याज को हल्का सा सॉफ्ट करना है और इसको हमें ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना, जस्ट लाइट सा सॉफ्ट करना है। प्याज सॉफ्ट हो गया है, अब इसमें मैं मटन ऐड करूंगी। मटन को अब मैं अच्छी तरह भूनूंगी मीडियम टू हाई फ्लेम पर, हम इसको अच्छी तरह भूनेंगे 8 से 10 मिनट के लिए। मटन की स्मेल जब तक रिमूव ना हो तब तक मटन को अच्छी तरह मैं भूनूंगी। मटन को अच्छी तरह भून लिया है, और अब इसमें मैं ऐड करूंगी 1 टेबल स्पून नमक, और 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, और 1/2 टीस्पून हल्दी। अब इनको हम इसमें अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। जितने भी स्पाइसेस ऐड किए हैं इनको हम इसमें अच्छी तरह पकाएंगे। जी तो अब मैं इसमें ऐड करूंगी जिंजर गार्लिक चॉप किए हुए, जी तो जिंजर गार्लिक ऐड कर दी है, अब इनको हम इसमें अच्छी तरह कुक करेंगे। जितना भी मटन को हम भून के बनाएंगे उतना ही मज़े का इंशाल्लाह बनेगा। अब मैंने इसमें टमाटर ऐड किए हैं, टमाटरों को भी हम इसमें अच्छी तरह कुक करेंगे ताकि अच्छे से टमाटर इसमें मिक्स हो जाए। मटर जो है वो इसमें अच्छी तरह कुक कर लिए हैं, मटन जो है वो माशाल्लाह से बहुत अच्छे से हमने भून लिया है। अब इसमें मैं ऐड करूंगी 2 कप पानी। दो
2 कप इसमें मैंने पानी ऐड किया है ताकि मटन जो है इसमें अच्छे से गल जाए। 10 से 12 मिनट के लिए हम इसको लिड लगा के रख देंगे लो फ्लेम पे ताकि मटन जो है वो अच्छा से गल जाए। 10 मिनट तक मैंने गोश्त को लो फ्लेम पे रख दिया था, गोश्त जो है वो गल चुका है और ऑयल भी उसका लदा हो गया है। अब इसमें मैंने मेथी ऐड कर दी है, मेथी को मैंने ब्रिक काट लिया था। अब इसमें मैं ऐड करूंगी खुश धनिया और जीरा पाउडर। अब इनको हम इसमें अच्छी तरह कुक करेंगे। 2 से 3 मिनट तक मेथी को इसमें अच्छी तरह कुक करूंगी। माशाल्लाह से मेथी मटन जो है वो बहुत मज़े के बन रहे हैं और स्पेशली ये बहुत अच्छे हैं सेहत के लिए। माशाल्लाह से ये हेल्दी रेसिपी है, आप भी इसको बनाएं, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। अब इसमें मैं ऐड करूँगी 3 अदद हरी मिर्चें। अब मैंने इसमें ऐड कर दिया है 1 कप पानी। मिनट के लिए इसे लो फ्लेम पे कुक करने के लिए रख देंगे जी ताकि मटन और मेथी जो है वो अच्छी तरह से कुक हो जाए। मटन मेथी जो है 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पर कुक करने के बाद माशाल्लाह से बहुत अच्छे से रेडी हो गए हैं। ऑयल भी जो है वो देखें सेपरेट हो चुका है और माशाल्लाह से बहुत मज़े के मटन मेथी जो है वो रेडी हुए हैं। अब इसके ऊपर मैं फ्रेश हरा धनिया डालूंगी। माशाल्लाह से हरा धनिया जो है इसकी बहुत अच्छी स्मेल होती है। मटन मेथी रेडी है, अब आपको मैं डिश आउट करके दिखाती हूँ। माशाल्लाह से बहुत ही मज़े का बना है। जी तो व्यूअर्स, डिश आउट कर लिया है, माशाल्लाह से बहुत ही मज़े का मटन मेथी रेडी है और मैंने इसको नान के साथ सर्व किया है। आप चाहें तो रोटी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। और इसके साथ मैं चाहूँगी इजाज़त। आप अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल और दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। और अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हमें हसद पर नज़र और बदज़बान लोगों के शर से महफूज रखे। अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। खुश रहें, हंसते रहें। इसी के साथ इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।